Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. So aaj ke video mein hum banayenge kiwi smoothie. Kiwi smoothie banana bahut easy hota hai, ye bahut hi healthy aur delicious drink hoti hai aur isko banane ke liye bahut kam ingredients lagte hain. To chaliye start karte hain. To sabse pehle maine liye hain frozen kiwis. Kiwis ko maine overnight froze kiya hai. Aap chahe agar aapke paas frozen kiwis nahi hai to aap normal kiwis bhi le sakte hain, but fir aapko ice cubes lene padenge saath mein. Isliye maine ice cubes use nahi kiye, maine frozen kiwis use kiye. Uske baad hum lenge sugar. Mujhe 2 glass banana hai to uske liye main 2 tablespoon dalungi. इसके बाद मैंने ली है 2 स्कूप्स ऑफ वेनिला आइसक्रीम. आप इसको क्रीमी बनाने के लिए मैंने आइसक्रीम का यूज किया है और मैंने मिल्क को पहले बॉईल किया है, उसको फिर के बाद उसको चिल किया है. तो अब हम मिक्सर में डालेंगे. सबसे पहले मैंने फ्रोजन कीवीज हैं, सबसे पहले हम फ्रोजन कीवीज डालेंगे. उसके बाद हम डालेंगे 2 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि कीवी जो होता है उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है तो आइसक्रीम इसमें थोड़ी सी क्रीमीनेस लाती है. क्योंकि शेक है स्मूदी है तो इसलिए इसमें क्रीमीनेस होनी चाहिए. उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर लिए हैं, अगेन जस्ट बिकॉज़ कीवी खट्टे होते हैं तो इसलिए मैंने 2 स्कूप्स 2 टेबलस्पून शुगर के लिए. उसके बाद मैंने मिल्क को बॉईल किया है पहले और चिल किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो मिल्क होता है, क्योंकि जो कीवी होता है वो खट्टा होता है और जब हम इसको मिक्स करते हैं मिक्सर में तो ये दूध जो है वो फट जाता है. तो मेक श्योर कि जब भी आप कीवी स्मूदी बनाएं तो मिल्क को पहले बॉईल करें, उसके बाद चिल करें, उसके बाद ही इसकी स्मूदी बनाएं. मैंने इनको ग्लासेस में पो कर दिया है और हमारी कीवी स्मूदी तैयार हो गई है. तो आप भी इसको घर पे बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा हो. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.